दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान। डॉक्टर योगेंद्र पासवान प्रदेश प्रवक्ता भाजपा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बिहार सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान कार्ड का जो टारगेट था वो बिहार ने पूरा नहीं किया और साथ ही साथ यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनका आयुष्मान कार्ड में उदासीनता देखने को मिली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जायसवाल जिला अध्यक्ष भाजपा, संतोष खरवार जिला महामंत्री भाजपा, दुर्गेश चौबे जिला अध्यक्ष भाजपा, अभिसार आनंद जिला प्रभारी मौजूद थे। 5,55,00,000 लक्ष्य रखा गया और मात्र अभी तक 76,85,000 ही कार्ड बन सका। यानी पूरे इंडिया का देखा जाए तो सबसे कम बिहार में बना है 13%। इसके लिए प्रधानमंत्री जी काफी चिंतित हैं कि हमारा गरीब परिवार जिसको स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए जिस मात्रा में वो नहीं मिल पा रहा है, इसी के तहत प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर का जो जयंती था उस दिन से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती तक विशेष अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है कि आप लोग घर घर जाइए और जा करके उन लोगों का कार्ड बनवाइए गरीब लोगों का। और पहले कुछ टेक्निकल आयुष्मान कार्ड में गड़बड़ियाँ होती थी उसको भी अभी नया ऐप ला करके ठीक करने का काम भारत सरकार ने किया है। तो इसी के तहत आज पूरे बिहार में पार्टी के प्रवक्ता लोग जिलों में जाकर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी इतना चिंतित हैं कि हमारा कोई भी भाई अस्वस्थ न रहे, सब लोग स्वस्थ होकर के रहे, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने किया। यह कार्ड कब से बन रहा है? ये कार्ड 2018 से। आपने आज के इसकी चिंता की है, आज के लोगों को निरंतर इसमें काम चल रहा था। 2 साल तो कोरोना में चला गया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कभी इस अभियान को छोड़ने का काम नहीं किया। यह राज्य सरकार का भी जिम्मेवारी, भारत सरकार की तो जिम्मेवारी है ही, उसके साथ साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी। राज्य सरकार के लाल फीताशाही के कारण, अफसरशाही के कारण, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण जो कमी आई है, इस कमी को दूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव जा कर के करने का काम। 2018 से बन रहा है, इसके पहले तो सरकार में आ गई थी, उस समय कमी चिंता थी। मैं बताया तो कि 2 साल कोरोना के कारण और हमने जितना हो सकता था किया और सरकार के साथ साथ कर्मचारियों की लापरवाही, उदासीनता, जिसके कारण इस तरह का स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसके लिए पूर्ण रूप से वर्तमान जो सरकार है वो सरकार जिम्मेवार है और हम लोगों का आग्रह है राज्य सरकार से कि वो भी अपने कर्मचारी और पदाधिकारियों को इस अभियान में लगाएं और गरीब लोगों को सही समय पर स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, उसका कार्ड बनवाने का काम करें। जिसका आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना है, कहाँ पर संपर्क करेगा, जल्द से बन जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, कार्ड नहीं बनता है। एक तो वसुधा केंद्र पर भी बनेगा, उसके साथ ही साथ अब ऐसा ऐप आ गया है कि हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे, उनको सहयोग करके उनका कार्ड बनवाने का काम करेंगे। आसान तरीके से ऐप आया है कि पहले जो भी त्रुटियां थी उस त्रुटियां को दूर कर दिया गया है और यह जो ऐप आया है इसमें लोग अपने से भी इस ऐप का उपयोग करके कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें ऐसा भी देखा गया है गरीब लोग को छोड़िए अमीर लोग अपना कार्ड बनवा लिए। अगर ऐसा है संज्ञान में आएगा तो ऐसे लोगों से हम आग्रह करेंगे कि गरीब लोगों के लिए मानवता को देखते हुए वे स्वेच्छा से छोड़ दें
जो जिनको मिलना चाहिए लाभ उनको लाभ लेने। क्या नाम? डॉक्टर जोगेंद्र पासवान, प्रदेश प्रवक्ता। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।